बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह खुश होंगे, खुशहाल होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और मुझे भी अपनी दुआ में याद करते होंगे। मैं तरन्नुम लारी, लारी फैशन पॉइंट से आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ और आपको नया नया कलेक्शन दिखाती रहती हूँ। आज मैं कुर्ता सेट दिखा रही हूँ बॉटम वियर दुपट्टे के साथ, जिसमें आपको प्रिंटेड और वोवन दोनों ही डिज़ाइन मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत से हैं, प्लेन कुर्ते के साथ भी हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक से एक डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आप इस जो भी कलेक्शन है इसका कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इसमें से कोई भी कुर्ता सेट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके लिए मुझे आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर के विज़िट कीजिए, वहाँ पर मुझे मैसेज करके बताइए, तभी मैं आपको और इसके सारे डिटेल्स बता पाऊँगी। और वैसे भी आप मार्केट में ये परचेज़ कर सकती हैं, आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये जो कुर्ता सेट आपको दिखाया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत है और इसमें आपको रेयन, जॉर्जेट और कॉटन पे हर तरह के मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग के साथ, बहुत ही स्टाइलिश से हैं। आप इसको कॉलेज है और मार्केट है, ऑफिस है, कहीं भी पहन के जा सकती हैं। और समर में भी ये चलता है, ये सारे कुर्ते आप आगे जाकर के विंटर सीजन में भी पहन सकती हैं। तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको जो भी दिख रहा है, जो पसंद आता है वो आप पसंद कर सकती हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को डिज़ाइन इसलिए दिखाई जाती है कि आप मार्केट में इधर उधर परेशान होती हैं, जब आप यहाँ से डिज़ाइन देखती हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस तरीके के कुर्ते मार्केट में हैं अवेलेबल, तो आप इसको चूज़ करने में आपको आसानी होती है। तो मेरी उम्मीद बस यही है कि आप लोगों को सब अच्छा लगे। और मेरे चैनल पर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा, शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके, और मेरी वीडियो को देखा कीजिए। वीडियो पे आप जब आएंगे मेरे तब आपको पता चलेगा एक से एक डिज़ाइन है। तो इंशाल्लाह चैनल पे आइए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।